जब आप डेली रोटी खाते हो तो माँ चार की जगह आठ खिला देती है, लेकिन जब आप डेली मैगी खाने पे उतर जाते हो तो माँ की तरफ से एक फ्लाइंग चप्पल आती हुई दिखाई देती है। पर क्या मैदा सच में इतनी बकवास चीज है? ध्यान से एनाटॉमी को समझो। इस गेहूं के ये तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ब्रैन, इसमें फाइबर, मिनरल्स और बी विटामिन होते हैं। उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोस्पर्म, ये सबसे बकवास है, इसमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है। और सबसे अंदर तीसरी और काम की लेयर होती है जिसे जर्म बोलते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स, बी विटामिन, ई विटामिन और हेल्दी फैट्स होते हैं। देखो आटा मैदा दोनों बनते तो गेहूं से ही हैं, लेकिन जब आटे की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों ही होते हैं। लेकिन जब मैदा बनता है तो उसमें ब्रैन और जर्म को हटा दिया जाता है और सिर्फ कचरा यानी कि ये एंडोस्पर्म रह जाता है, प्लस व्हाइट और फ्लफी बनाने के लिए कुछ केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, माँ तो कभी गलत थी ही नहीं, वो तो आपको ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों ही खिला रही थी, लेकिन अपने बाबू सोना के साथ तुम ये जो सिर्फ एंडोस्पर्म यानी मैदा के मोमोज खाने में लगे हो ना, तुम्हारा दिल सिर्फ टूटेगा ही नहीं, इसमें अटैक भी जल्दी आएगा।